आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सूरजकुंड में चिंतन शिविर, योगी ने बताई कानून व्यवस्था का यूपी मोड, अपराधी या तो जेल में या मारे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में संगठित अपराध पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अपराधी या तो जेल में है या मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। वे हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड में हुए राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर में बोल रहे थे। उन्होंने प्रदेश के बेहतर कानून व्यवस्था के यूपी मॉडल के बारे में बताया। कहा, पिछले 5 वर्षों में 4 मुख्य बिंदुओं पर काम किया गया है। इसमें भर्ती प्रशिक्षण, पुलिस का आधुनिकीकरण, पुलिस कर्मियों की अविस्थापना, सुविधाओं में वृद्धि और चुनौतियों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने समन्वय शामिल है। इससे कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में कामयाबी मिली है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति में संगठित अपराध समाप्त हो चुका है। प्रदेश में माफिया और अन्य अपराधियों की 44.59 अरब की संपत्तियां जब्त या ध्वस्त की गई हैं। ऐसी अवैध संपत्ति का जब्तीकरण कर उन पर बालिकाओं के लिए कॉलेज और निर्बल वर्ग के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। इससे समाज में बेहतर संदेश है। अदालतों में मजबूत पैरवी पर अपराधियों को कड़ी सजा दिलाई गई है। अब यूपी में त्योहार, मेले और जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहे हैं। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान संचालित किया जा रहा है। पुलिस की व्यापक कार्रवाई से महिलाएं और बालिकाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सजा दिलाने में यूपी को देश में पहला स्थान मिला है।